देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर मथुरा से है। यहां पर गौकशी के काले कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया है। इसको लेकर यहां पर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा में अवैध मीट के कारोबार पर पुलिस ने छापा मारा है, जिसमें पुलिस ने गौ रक्षकों के साथ यहाँ पर कार्रवाई प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गौ रक्षकों और पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में मौके से 60 किलो गौ मांस बरामद हुआ। इसके अलावा एक चाकू के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। वहीं एक आरोपी मौके से यहां फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी डी गेट में मटिया गेट में ये सूचना मिली थी कि वहाँ गोकशी की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो गोकशी की शिकायत प्राप्त होने पर हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँच के करीब 60 किलो गोमांस बरामद हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम शारून पुत्र राशिद है, उम्र करीब 24 साल, उसकी अरेस्टिंग की गई है। उससे फर्दर इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि इसमें इस काम में कौन कौन उसके साथ संलिप्त हैं, कौन कौन उसके साथी हैं। खबर बस्ती से है। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान यहाँ पर सांसद ब्रजभूषण के सुर बिगड़ते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पूरे प्रदेश के साथ जिले में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं जिले की कप्तानगंज विधानसभा सीट पर 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं आज बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा में बीजेपी विधायक और कप्तानगंज बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह बस्ती पहुंचे, जहां सांसद के मंच पर पहुंचे ही लोग सांसद का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सांसद ब्रजभूषण ने जनता को सभा संबोधित करते हुए मंच भाषण शुरू करते ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में बाबा की ठोको और बुलडोजर सरकार चल रही है। उन्होंने अपने पूर्व के भाषणों को दोहराते हुए कहा कि जिन्ना चले गए, जड़ छोड़ गए और ये गांधी की देन है। और सांसद ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और इस फसल को खाद पानी का दाम किया है, खाद पानी देने का काम किया है सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने। और मेरे भाइयों, आज भी नारा लग रहा है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कौन है? जिन्ना चले गए, जड़ खोर कर चले गए थे, और इस जड़ को जो खाद पानी दिया ये अखिलेश के। खबर बागपत से है। यहाँ पर बारातियों का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर बारातियों ने अजीबोगरीब डांस किया है। आपको बता दें कि शादी ब्याह में तो लोगों का डांस करते आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को अपने कपड़े को फाड़ कर डांस करते देखा है? आपको बता दें कि बागपत में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बारात रस्म के दौरान शराब के नशे में धुत दर्जनों बारातियों ने सर्दी की परवाह किए बिना अपने वस्त्र फाड़कर डीजे पर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि बारात में दूल्हे को छोड़कर अधिकतर बाराती यहां पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। तो वहीं गाँव में वस्त्र फाड़कर बारात चर्चा का विषय बन गया है। बागपत की वस्त्र फाड़ बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर से है। यहाँ पर एसटीएफ और एसओजी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहजहांपुर में एसटीएफ और एसओजी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस बरामद की है। दरअसल लखनऊ एसटीएफ को मुखबिर की सूचना के आधार पर शाहजहांपुर के रास्ते 3 अंतर्राष्ट्रीय मादक तस्कर चरस की बड़ी खेप लेकर गुजरने वाले हैं, जिसके बाद एसटीएफ ने एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस की मदद से रोडवेज बस स्टैंड के पास अनीस
महेंद्र शीतल वर्मा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है और तलाशी लेने पर तीनों के पास से 21 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 43 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने तीन अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर भी गिरफ्तार किए, जिसमें नेपाल की एक महिला भी शामिल है। वहीं बताया जा रहा है कि चरस को बस के माध्यम से नेपाल से सहारनपुर ले जाया जा रहा था। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों और ऐसे गिरोहों के विरुद्ध निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में कल जनपद शाहजहांपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। SOG शाहजहांपुर और STF उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कार्रवाई में तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 21 किलोग्राम 800 ग्राम चरस बरामद की गई है, जो नेपाल से लाई गई थी, जिसकी स्थानीय कीमत जो ग्रे मार्केट है उसमें लगभग हाथरस से है। यहाँ पर किसान की जमीन को हड़पने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद किसान ने यहाँ प्रशासन से गुहार लगाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की खबर हाथरस कोतवाली के सिकंदराव क्षेत्र की नगर पंचायत पुरदिल नगर के रहने वाले एक किसान के खेत में जबरन भूमि अधिग्रहण का मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत कर्मियों और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते गरीब किसान की जमीन पर सड़क निकालने के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके बाद गरीब किसान ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करके ठेकेदार और इस मामले में सम्मिलित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर आगरा से है। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले में आगरा थाना कमला नगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से ऑटो सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और वहीं ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना रात के 1:30 की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाते ही थाना कमला नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुट गई। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABSTAR News। नमस्कार।